चरण कमल बंदो हरिराई। हम भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं जो इस संसार के समस्त संसार के स्वामी हैं। भगवान इतने महान हैं, उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति जन्मांध होता है, यानी जन्म से अंधा होता है, और उसे बड़े होने के बाद दिखना शुरू हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई इस पे तो भगवान की कृपा हो गई है, अब इसे दिखने लग गया, ऐसा ही बोलते हैं ना सब, कि उस पे तो भगवान की कृपा हो गई है और उसे दिखने लग गया है। ये है भगवान की कृपा। यदि आप मन से भगवान को अपनाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो भगवान की कृपा हम सब पे होगी। भगवान की कृपा ऐसी है, यदि किसी गरीब पर हो जाए तो वो रातों रात मालोमाल हो जाता है। वो कहते हैं ना, छप्पर पाड़ कर दे दिया, भगवान की कृपा है उस पे, उसने इतने बुरे कर्म कर रखे थे लेकिन फिर भी उसे मिल गया, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा उस पे बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर रहती है, जैसे गुरु की अपने शिष्य पर, माता पिता की अपने बच्चों पर। जब कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता भी क्या कहते हैं कि बेटा बाद में मत करना, अभी माफ़ कर रहे हैं लेकिन अगली बार क्षमा नहीं करेंगे, अभी जो गलती की है आपने उसको दोबारा मत दोहराना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो माता पिता अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ करते हैं, और जो समस्त संसार के पिता हैं भगवान, जिन्होंने इस सृष्टि का जो पालनहार हैं, वो परम पिता हैं हमारे, वो सबके पिता हैं, वो भी हमारी गलतियों को बार बार क्षमा करते हैं, बार बार मौका देते हैं हम सबको सुधरने का, पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, हम गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं। और उनकी महानता को देखिए, वो हमें बार बार क्षमा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की धृष्टता को भी क्षमा करते हैं। अभी एक कथा है, एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी के साथ बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे, वो वार्तालाप में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि भृगु ऋषि उनके पास आए हैं। अब भृगु ऋषि आवाज़ लगा रहे हैं, हे केशव, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, पर भगवान अपनी वार्तालाप में इतने मग्न हैं कि उन्हें भृगु जी की आवाज़ तक नहीं आ रही। तो वो क्या कर रहे हैं, भृगु जी को क्रोध आ गया। अब भृगु जी ने तो गए भगवान के पास और क्रोध में आकर पैर से उनकी छाती पर वार कर दिया। अभी देखिए, एक ब्राह्मण को क्रोध शोभा ही नहीं देता। लेकिन भृगु ऋषि जो बहुत महान ऋषि हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उनके पांव के निशान भगवान की छाती पर रह गए, इतना तेज प्रहार था उनका। पर भगवान की महानता को देखिए, उन्होंने भृगु जी की इस धृष्टता को भी क्षमा कर दिया। अब
चरणों के आघात को केवल उन्होंने सहन ही नहीं किया, अपितु हाथ जोड़कर, भगवान हाथ जोड़कर भृगु ऋषि जी के सामने क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, भगवान ने उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने उनको इतनी जोर से अपने पैर से प्रहार दिया था, जिन्होंने लात मारी थी। अभी क्या होगा, आपके पास कोई आएगा और आपको जोर से थप्पड़ मारेगा, क्या करेंगे आप? उसके हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, भाई क्षमा कर दे मुझे? नहीं, उसके एक थप्पड़ के जवाब में आप उसे दो तीन जोर जोर से मारेंगे, लड़ाई हो जाएगी वहां पर, झगड़ा हो जाएगा, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, यही होगा ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनकी दृष्टता को देखिए, कैसे उन्होंने क्षमा किया। क्या कहा? हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो गए, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप में इतना मग्न था कि मैं आपको सुन भी नहीं पाया। देखिए प्रभु की महानता कैसी है। भगवान को आप अपना बनाइए, अपनी भक्ति से बनाइए। जो भगवान ने आपको दिया है, उन्हीं का दिया हुआ, और हम उन्हीं से क्या कहते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं तुझ पे 101 रुपया चढ़ाऊंगा। वो 101 रुपया किसने दिया है? भगवान ने दिया है, वही 101 रुपया आप उसको चढ़ा दोगे? ऐसा होता है कहीं? भगवान को अपनी भक्ति से अपना बनाइए। भगवान भाव के भूखे, आपके जो भोजन बनाते हैं उसके भूखे नहीं है। भगवान आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। उन्हें आप खुद को समर्पित कीजिए, अपने भावों को समर्पित कीजिए। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ दो कदम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई हमें इस तरह थप्पड़ भी मार दे तो क्या हम माफी मांगेंगे? नहीं, बल्कि जितनी जोर से उसने मारा ना, उतनी जोर से हम उसको मारेंगे। ऐसा ही करेंगे ना। भगवान की महानता को देखिए कि वो भृगु ऋषि जी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े होकर बोलते हैं, जबकि लक्ष्मी माता को बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस तरीके से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे प्रहार किया और भगवान श्री कृष्ण उनके आगे हाथ जोड़कर कैसे खड़े हैं। तो भगवान ने उनकी दृष्टता को क्षमा भी किया और माफी भी मांगी, उल्टा उन्हीं से माफी मांगी कि हे ऋषिवर, मैंने आपको देखा नहीं, मैं वार्तालाप में इतना मग्न था। भगवान बिना किसी इच्छा के ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इंसान हर पल इच्छा रखता है, भगवान अगर मुझे ये दे दे तो मैं ये कर दूंगा, ऐसे ही करते हैं ना। भगवान हमें ये दे दे, गाड़ी बंगला दे दे, मैं भगवान को मनाना शुरू कर दूंगा। भगवान मुझे धनवान बना दे, मेरे घर में से धन निकाल दे, तो मैं भगवान की भक्ति करना शुरू कर दूंगा। लेकिन भगवान बिना किसी इच्छा के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। हमें हर पल लालच रहता है, सिर्फ भगवान से ही नहीं, इंसान से इंसान भी लालच में रहता है कि अगर ये इंसान मेरे काम आ जाएगा तो मैं इसके काम आ जाऊंगा। आज मुझे ये इतना रुपया उधार दे दे तो हो सकता है कल को जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो इसे भी दे दूंगा। भगवान से भी ऐसे ही उम्मीद रखते हैं कि भगवान हमें ये सब दे दे, मैं भगवान का हो जाऊंगा। लेकिन भगवान हमसे ये उम्मीद नहीं रखते। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त सिर्फ मेरा हो जाए, मैं उसका हो जाऊंगा।